फातेपुर से मोहम्मद एहतेशाम पप्पू की रिपोर्ट। वैशाली, फातेपुर बाजार स्थित श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा प्रारंभ पंडित देवेंद्र झा के मंत्रोच्चारण से हुआ। राम जानकी मठ के मठाधीश महंत बाबा विश्वमोहन दास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। इस अवसर पर श्री रामचंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्याम प्रसाद सिंह कुशवाहा, कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय महामंत्री महंत साहेब रमेश दास, प्रमुख पति व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश राय, दीक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी के निर्देशक अमित कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष जदयू नेता राजकुमार सिंह, भाजपा के फातेपुर विधानसभा प्रभारी जिला उपाध्यक्ष जबलाल शाह, पिंटू पासवान, विजय झा, मोहम्मद छोटे, मोहम्मद शबबू, आशुतोष आनंद, कुंदन शर्मा, विशेश्वर भारती, पूर्व सरपंच बिंदेश्वर राय आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आभायांकरो चन्ना प्रजाभ्यो पशुभ्यः हरि ओम। आज जो लता दीदी के कार्यक्रम किया गया है, इसके विषय में आप कुछ बताइएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, वस्तुतः भारत रत्न थी, आज उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है। हम लोग अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर 2 मिनट के लिए मौन रखते हुए उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपना परिचय दे दिया जाए। मैं पंडित देवेंद्र झा, फातेपुर स्थान स्थित माध्यमिक विद्यालय श्री रामानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का जो है सो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हूँ। वर्तमान में फातेपुर स्थान में पौरोहित्य पद का संवहन कर रहा हूँ।